कब होगी एनसीसी 2022 की भर्ती? तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दूंगा कि एनसीसी 2022 की भर्ती किस महीने में होगी और उसमें आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आगे आप पूरी वीडियो देखेंगे, आप वीडियो क्लास से देखेंगे कि एनसीसी 2022 की भर्ती कब तक होगी, किस महीने में होगी, सारी जानकारी आपको डिटेल्स में बताऊँगा। एनसीसी को कैसे ज्वाइन करें, नोटिफिकेशन कब आती है, एनसीसी में गर्ल्स ज्वाइन कर सकती है या नहीं कर सकती है, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन, हाइट वगैरह जो भी है क्या होनी चाहिए, एज उम्र कितनी होनी चाहिए एनसीसी ज्वाइन करने के लिए, कौन से क्लास में आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन होने के लिए फीस कितनी लगती है, हाइट रनिंग कितनी होती है, तो इन सब की एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी आपको सारा जानकारी दे रहा बेसिक कि आपकी क्या क्या होनी चाहिए। आप देख सकते हैं आपकी भर्ती इस तरह से होती है सब, ये ओरिजिनल रियल भर्ती की वीडियो है, आपको मैं एक स्पेशल वीडियो दिखाऊंगा भर्ती कैसे होती है और क्या क्या होता है। ठीक है, अभी बेसिक जानकारी। तो पूरे भारत में एक साथ मई जून जुलाई के महीने में इस बार भर्ती होगी 2022 की पूरे भारत में। इसके बाद सीबीएसई वाले एनसीसी ज्वाइन कर सकते या नहीं, बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और आर्मी मैन, उसका बेनिफिट आपको भर्ती में मिलेगा नहीं, ए सर्टिफिकेट आपने किया है तो आपका सीनियर डिवीजन में एनसीसी ज्वाइन करने के लिए उसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, सारा कुछ बताऊंगा एक स्पेशल वीडियो में। तो आप किसी भी वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। टेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछते क्योंकि फाइनली सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर होता है। बीए वाले लड़के एनसीसी ज्वाइन कर सकते या नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेकर जाना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो ये सारा इन सारी बातों की जानकारी मैं एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, भर्ती कैसे होती है उसकी अलग वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और कितनी आपकी हाइट वगैरह होनी चाहिए। नेक्स्ट, इंटरव्यू होता है या नहीं होता, आपको हॉस्टल में रह के एनसीसी करना पड़ता है या फिर आपको घर से जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। जो स्टूडेंट आईटीआई करते हैं वो एनसीसी ज्वाइन कर सकते या नहीं कर सकते, तो आपको सारी बातें बताऊंगा। ये सारी आप प्रोसेस देख रहे हैं, ये सब भर्ती का प्रोसेस है, बट इसमें आपको केवल मैं एक डेमो दिखा रहा। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, मेडिकल टेस्ट क्या क्या होता है, टेस्ट में क्या क्या जाँच होता है और भर्ती की प्रक्रिया, तो उसका अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मैंने आपको बता दिया कि भर्ती का फुल प्रोसेस दिखाऊंगा, रियल जो भर्ती जैसे होती है उसी तरह से आपकी 2022 में सेम भर्ती होगी। नंबर ऑफ सीट्स, एक स्कूल कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स कितने होते हैं एनसीसी के, यूनिफॉर्म सिलाना पड़ता आपको या एनसीसी बटालियन से मिलता है, वेट ऑफ स्टूडेंट, अगर जो लोग मोटे हैं जो स्टूडेंट उनका एनसीसी होगा नहीं होगा, बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैं मोटा हूँ, आपका जो डाउट होगा आप कमेंट करेंगे। यूनिफॉर्म की बात, आप यूनिफॉर्म देख ले, यूनिफॉर्म एनसीसी बटालियन की तरफ से आपको अवेलेबल कराया जाता है, आप देख रहे हैं ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा। इसका मैंने एक अलग वीडियो भी अच्छे से बना रखा है कि एनसीसी यूनिफॉर्म बॉयज गर्ल्स को कैसे मिलता है, कितना मिलता है, क्या क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं सिलाने के लिए नहीं मिलते, उसकी एक अलग वीडियो है, आप उसमें जाकर देख लेंगे। ठीक है, बाकी ये एनसीसी का नंबर वन चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और सारी जानकारी आपको अच्छी दी जाती है। और आपका फाइनली सिलेक्शन एनसीसी में रिटर्न टेस्ट के आधार पर होता है और रोजाना उसकी प्रिपरेशन शाम में 8:30 बजे से तेजस एनसीसी आर्मी चैनल पे क्लास होती है एनसीसी न्यू भर्ती की, तो आप लोग सभी लोग समय से 8:30 बजे शाम में ऑनलाइन आ जाएंगे। ठीक है, लाइव, और टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में भेज देता हूँ क्लास की। जय हिंद, जय भारत।